शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज कुतुब नगर सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। सुना है शेर के डर से नहीं मोटा हिरण होता, सुना है शेर के डर से नहीं मोटा हिरण होता, न होती दिल में दहशत तो बहुत वो भी मगन होता। अगर खौफे खुदा महफूज होता रहबरों को भी, न चर्बी ही लदी होती न हाथी सा बदन होता। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना विष कहां पाया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं जिसपे रंदा चलने वाला है। सांसद राजेश वर्मा ने सीएचसी तंबौर तथा विधायक शशांक त्रिवेदी ने सीएचसी मोहली में काटा फीता। कुछ ही दिन बाद हेल्थ एटीएम हुए ठप। अब फीता काटने के बाद और जल्द ही समय में जो है एटीएम यानी कि हेल्थ एटीएम ठप हो गए। इस ठप व्यवस्था पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। ऐसे ही माननीयों के शुभ हाथों से विभिन्न विकास एवं जनकल्याणकारी कार्यों के फीते कटते रहें। कोई भी माई का लाल सीतापुर जिले को सिंगापुर पेरिस बनाने से नहीं रोक सकता और ना ही उन पर ये आरोप ही लगाया जा सकता है तुमने उसे छुआ कुछ भी नहीं हुआ। आपने हेल्थ एटीएम को भले ही न छुआ हो पर उसका फीता काटने पर जो असर हेल्थ एटीएम पर हुआ उससे क्षेत्र के मरीज अवश्य ही जांच कराकर लाभान्वित होने लगे होंगे। सांसद राजेश वर्मा अच्छे विकास पुरुष, तभी उन्हें यहाँ की जनता ने 4 बार जीत का ताज पहनाया और शशांक त्रिवेदी जी को 2री बार विधायक बनाया है। हेल्थ एटीएम मशीन तो मशीन ही है, गड़बड़ हो गई होगी, इसमें हमारे जनप्रिय माननीयों का क्या दोष। कुआँ पानी पीने के लिए बनवाया जाता है, अगर उसमें कोई अज्ञात व्यक्ति गिरकर मर जाए तो कुआँ बनवाने वाले का क्या दोष। लेकिन जांच का विषय ये है कि कहीं हेल्थ एटीएम खरीदने में कमीशनबाजी संबंधित अधिकारियों द्वारा तो नहीं की गई है। कमीशन के चक्कर में कम गुणवत्ता वाली एटीएम मशीनें लगाई गई हों, नहीं तो इतनी जल्दी जल्दी हेल्थ एटीएम मशीनें जवाब दे जाएं, ये सवाल हर एक के मन में जरूर कचोटता होगा। कमोबेश सड़क पुलिया स्कूल व अन्य विकास कार्य भी कथित कमीशन की भेंट चढ़कर 6 माह में ही अपना मुंह फैला लेते हैं। कर्नाटक में भाजपा की सरकार को 40% कमीशन ही ले डूबा। हमारे सीतापुर जनपद को माननीय लोग अच्छे व संस्कारी नेता हैं, वो कभी कमीशन नहीं खाते। अगर कोई उन्हें प्रेम से खिला दे तो अल्लाह दे और बंदा न ले, ये भला कैसे हो सकता है। क्योंकि किसी ने कहा भी है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। रंदा अनाप शनाप की रकम नहीं खाता क्योंकि उसने महात्मा गांधी के कथन सुन रखा है, सत्य की कमाई ही सच्ची कमाई है। लेकिन सत्य की कमाई रंदा जैसे कम आय वाले लोगों को इस भीषण महंगाई में घर गृहस्थी चलाना मुश्किल हो रहा है। फिर भी रंदा यही विधि राखे राम वही विधि रहिए पर चलकर मन को ढांढस बंधा रहा है। रंदा अपने जिले के माननीयों का सम्मान करते हुए दूसरे जिलों के कुछ चर्चित माननीयों को शायर महफूज रहमानी का ये मुक्तक पेश कर रहा है। सुना है शेर के डर से नहीं मोटा हिरण होता, सुना है शेर के डर से
नहीं मोटा हिरन होता, न होती दिल में दहशत तो बहुत वो भी मगन होता। अगर खौफे खुदा महफूज होता रहबरों को भी, न चर्बी ही लदी होती न हाथी सा बदन होता। इल्म तो हासिल किया था रहबरी के वास्ते, धीरे धीरे रहजनी भी राहवर करने लगे। दुश्मनी करके नहीं महफूज रह पाएगा तू, हम सुलू के दुश्मनी तुझसे अगर करने लगे। तो जिस तरह से हेल्थ एटीएम ठप हो गए, रंदा ने आपको क्या बताया, आपने सुना। अगली खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ के राजनाथ गांव की चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो जारी रखेगी तुष्टिकरण की राजनीति। अब अमित शाह ने जो कहा है उस पर क्या कहेगा, सुनते हैं रंदा। आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, भाजपा का तुष्टिकरण वाला ये कैसेट बहुत पुराना हो गया है, अब कोई नया कैसेट निकालिए जिससे जनता आपकी पार्टी की ओर आकर्षित हो सके। रोज रोज एक ही भजन आरती गाने पर भगवान भी खुश नहीं होते, तो तुष्टिकरण वाले राग से छत्तीसगढ़ के मतदाता आपके झांसे में क्यों आएंगे। एक भक्त रोज एक ही आरती भजन गा रहा था तो कथित रूप से भगवान प्रकट होकर भक्त से कहा, क्या घिसा पिटा वही पुराना आरती भजन गा रहा है, कभी कोई फिल्मी तर्ज पर कोई आरती भजन कर लिया कर, वही पुराना भजन आरती सुन सुनकर मैं बोर हो गया हूँ। ये भक्त को नसीहत देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। आप जैसे चाणक्य के गृह मंत्री रहते हुए भला कोई सरकार का तुष्टिकरण कर सकता है। जिस गृह मंत्री में विपक्षी चुनी हुई सरकारों को गिराने की व अपनी पार्टी की सरकार बनाने की क्षमता। आदरणीय गृह मंत्री जी, मणिपुर जैसे भाजपा शासित प्रदेश का हाल भी चुनावी जनसभा में लोगों को सुना देते कि कितने हजार लोग मणिपुर में बेघर हुए हैं, कितने आसियाने जला दिए गए हैं, कितनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया है। आपने जब से रंदा जैसे शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए पकौड़ा तलने की नसीहत दी थी, तब से वह पकौड़ा तल रहा है और अपने भविष्य को छल रहा है। आप जैसा ज्ञानी गृह मंत्री ना तो आज तक हुआ है ना आगे ही होगा। जो कक्षा 12 पास करने के बाद इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने की बात कह सके। आजकल छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनावी सभाएं चल रही हैं, नेतागण एक दल पर दूसरे कीचड़ उछाल रहे हैं, अपनी कमीज को साफ तथा दूसरे की कमीज को गंदा बता रहे हैं। रंदा, अपने सम्मानित नेताओं को जब नफरती व अलगाव वाले भाषण देते सुनता है तो उसे अज्ञे जी की ये काव्य पंक्तियाँ स्वतः याद आने लगती हैं। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना और विष कहाँ पाया। तो जिस तरह से गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्होंने कांग्रेस बताया कि कांग्रेस अगर आती है तो तुष्टिकरण जो है करेगी, लेकिन रंदा ने कहा कि पुरानी कैसेट आपकी हो गई, यानी कि ये पुराना बयानबाजी हो गई, कुछ नया कैसेट लाइए, यानी कि नया आरोप लाइए, तभी जो है कुछ हो सकता है जिससे कि जनता आपकी बातों को सही माने, लेकिन पुरानी कैसेट को मत चलाइए। फिलहाल अगली खबर, जहां बसपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती राजस्थान में करेंगी 8 जनसभाएं, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती फिर एक्टिव हो गई हैं और एक्टिव के साथ अब वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सीधे 8 जनसभाएं राजस्थान में करेंगी। अब उनकी सभाओं के लिए क्या कहता रंदा, सुनते हैं। आपकी जनसभाओं में रंदा सरीखे आपके समर्थक ये भी नारा खूब लगाएंगे, ये हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बरसा जाएगा। रंदा की बहन मायावती को नेक सलाह है कि वो जब भी कोई चुनावी जनसभा करें तो वो बसपा महासचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद एस सी मिश्रा को जरूर साथ ले जाएं।
नहीं तो हाथी को आगे बढ़ाने के लिए शंख कौन बजाएगा और हाथी को गणेश बनाने में भूमिका कौन निभाएगा। बसपा का इतिहास गवाह है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में उसे कभी उंगलियों पर गिनने भर को सीटें नहीं मिली। जहां उत्तर प्रदेश में बसपा की 4 बार सरकार रही, वहां भी 2017 के विधानसभा चुनाव में मात्र 19 तथा 2022 के विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीती। बसपा अपनी राजनीतिक भूमि उत्तर प्रदेश में ही बंटाधार हो गई। मायावती जी आज से अधिक संपत्ति तथा अपने शासनकाल में 11 सहकारी चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेचने की सीबीआई की जांच से बचने के लिए भाजपा सरकार के कथित जन विरोधी नीतियों का विरोध नहीं कर पा रही। बसपा का वोट 23% से घटकर 11% से भी नीचे पहुंच गया है। इन चुनावी राज्यों में बसपा भले ही अपेक्षित सीटें न पाए, लेकिन भाजपा, कांग्रेस जैसे मुख्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के चुनावी हार जीत के समीकरण बदलने में भूमिका तो अदा कर सकती है। बसपा रंदा बहन जी के हाथी के चारों ओर परिक्रमा कर ये फिल्मी नगमा उसे मस्त व स्वस्थ रखने के लिए गाएगा। चल चल मेरे साथी, ओ चल मेरे हाथी, तू ले चल खटारा खींच के चलिया धक्के मार, बंद है मोटर कार, तू ले चल खटारा खींच के चल चल मेरे साथी, ओ चल मेरे हाथी, चल चल मेरे साथी और ले चल हाथी। यानी कि बसपा सुप्रीमो जो है मायावती, ये अब राजस्थान में 8 सभाएं करेंगी और उन 8 सभाओं के बारे में आपको रंदा ने बताया कि जहां पर आपका जनाधार यानी कि जहां से आपकी राजनीति जमीन है उत्तर प्रदेश, वहां आपका क्या हाल रहा 2017 में, क्या रहा 2022 में, क्या रहा, और आप 8 सभाएं करने के पहुँच सकते। फिलहाल जीत और हार अलग विषय, लेकिन हाँ राजनीतिक समीकरण जो है आप जरूर बिगाड़ सकती हैं। फिलहाल कैसा लगा रंदा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ कोई सुझाव हो तो भी बताइएगा कमेंट के माध्यम से। और हाँ, अगर अभी तक आपने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाएं, आई इंडिया को टाइप करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। और हाँ, कुछ भी कहीं भी कोई खबर दिखे तो तत्काल आई इंडिया पर कमेंट करके जो है आप अपने सुझाव, साथ में प्रतिक्रिया और खबर भी बता सकते हैं। फिलहाल अब दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले रंदा के कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।